जुहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। मैं अपराजिता पांडे आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जैक इंटर एग्जाम 2021 की परीक्षा पर बच्चों से मांगी राय, मिला ये जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के आयोजन को लेकर राय मांगी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेश के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों, अध्यापकों एवं खुद छात्रों से इस साल के बोर्ड परीक्षा पर राय जानना चाहता हूं। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट कर साझा करें। इससे मुझे भारत सरकार के साथ होने वाली बैठक में आपके विचार या सुझाव को बेहतर ढंग से रखने में मदद मिलेगी। इस पर इंटरमीडिएट परीक्षा के आयोजन को लेकर छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर ने कोविड महामारी को देखते हुए एग्जाम रद्द करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जान है तो जहान है। कोरोना काल में झारखंड सरकार को मिली बड़ी आर्थिक राहत, केंद्र ने नहीं काटे डीवीसी की तीसरी किस्त के 714 करोड़। भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम के बकाए की 714 करोड़ की तीसरी किस्त झारखंड के खाते से नहीं काटी है। भारत सरकार की ओर से झारखंड सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। कोरोना राहत के लिए कोस के संकट का काफी हद तक समाधान हुआ है। कोरोना से पैदा हालात को देखने के बाद भारत सरकार अब जुलाई में तीसरी किस्त झारखंड के खाते से काटने पर विचार करेगी। इससे पहले अक्टूबर 2020 में 1417 करोड़ की पहली किस्त काटी गई थी। जनवरी 2021 में रिजर्व बैंक स्थित झारखंड सरकार के खाते से 714 करोड़ की दूसरी किस्त काटी गई। समुद्री तट से टकराएगा यास, झारखंड में 25 से 28 तक मूसलाधार बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे गहराता ही जा रहा है। यह सोमवार शाम तक यास नामक तूफान में बदल जाएगा। यास 26 मई को शाम तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटों से टकराएगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तूफान का असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 25 मई को रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं अगले दिन 26 मई को इसमें 13 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। हेमंत सरकार ने चेताया, ईपास को मजाक बनाया तो भेज देंगे जेल। झारखंड में ईपास को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बाबा का ढाबा और कभी खुशी कभी गम के लिए ईपास लेना अब जन सामान्य को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। गलत जानकारी अब उन्हें सीधे जेल भेजेगा। परिवहन विभाग ने कहा कि पास लेने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर गलत जानकारी देगा तो उस पर पुलिस कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में जरूरी काम निपटाने के लिए 16 मई से ई पास के बिना घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया है। ऐसे में परिवहन विभाग बीते 15 मई से जरूरतमंदों को ई पास जारी कर रहा है। इसके लिए ई पास झारखंड.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देकर ई पास प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। बहरहाल अब ई पास का मजाक बनाने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। ई पास के लिए ipassjharkhand.nic.in पोर्टल में तमाम जानकारी फीड करने के बाद ई पास ऑटोमेटिक जारी हो जाता है। इसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही किसी को ई पास के एवज में नाजायज पैसे देने की लाचारी होती है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद ही ई पास जारी किया जाएगा। हालांकि अब ई पास बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए दिन में 3 घंटे की वैधता वाला ई पास दिया जा रहा है, लेकिन अगले दिन दूसरी बार ई पास के लिए आवेदन करने पर पहले वाला का ही रिक्वेस्ट अप्रूव्ड मैसेज शो कर रहा है। बताया जा रहा है कि सिस्टम एक दिन पुराने पास को ही वैध मानकर नया ई पास जारी करने से मना कर रहा है। तो आप देख रहे थे झारखंड टाइम्स। ऐसे ही बने रहें झारखंड टाइम्स के साथ, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रोजमर्रा की 5 नई बड़ी खबरों के साथ रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।